अस्सलाम वालेकुम। आज हम लच्छा मिंट पराठा बनाएंगे, जिसके लिए आटा हमने लिया है 2 कप। पुदीने के पत्ते कटे हुए लेंगे 1 कप। नमक लेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। अजवाइन लेंगे 1/2 टीस्पून। देसी घी लेंगे 1 टेबलस्पून। देसी घी लेंगे 1/2 कप। कॉर्न स्टार्च लेंगे 5 टेबलस्पून। कॉर्न स्टार्च को हमने मेल्ट किए हुए बटर में डाल देना है। इसको हमने मिक्स करके एक साइड पर रख देना है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लेनी है। अच्छी तरह से स्मूथ करके इसकी हमने पेस्ट बनाकर इसको हमने एक साइड पर रख देना है। अब हमने आटा गूंदना है। आटे के अंदर हमने नमक डालना है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालना है 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अजवाइन डालेंगे 1/2 टीस्पून। देसी घी डालेंगे 1 टेबलस्पून। आटे को हमने पानी के साथ गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हमने रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त गूंद लेना है। आटे को हमने गूंद लिया है, रोटी वाले आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदा है। अब हमने इसको ढांप कर 1/2 घंटा रेस्ट देना है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें। 1/2 घंटे के बाद हमने इसके पराठे बनाने हैं। अब हमने सूखे आटे के साथ पेड़े बनाने हैं। आटे को गूंद कर हमने 1 घंटा फ्रिज में रख दिया था। अब हमने पराठे के पेड़े रेडी करने हैं। पहले हमने रोटी की तरह ही पेड़ा बना लेना है। अब हमने इसकी रोटी बेल लेनी है, बिल्कुल गोल रोटी बेलनी है। रोटी को हमने बिल्कुल गोल बेल लिया है। अब हमने बटर में मिक्स किया हुआ कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर, जो भी आप कह लें, ये हमने इसके ऊपर लगा देना है। इससे ये कि पराठा जो है बहुत क्रिस्पी बनेगा। बहुत हाजमेदार और मज़ेदार पराठे मिंट के तैयार हो जाते हैं। सारी रोटी के ऊपर हमने ये इसको लगा देना है पेस्ट को। अब हमने इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां चिपका देनी है। पुदीने के पत्ते रोटी के ऊपर हमने लगा देने हैं। अब हमने मिडल में से काट देना है रोटी को। पराठे का पेड़ा रेडी करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको रोल कर देना है, सारी साइडों से पकड़कर इसको हमने रोल कर देना है।
पराठे का पेड़ा रेडी करना है। लच्छेदार मिंट का पराठा मज़ेदार मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है। ये आखिरी सिरा जो है ये आप ऊपर लगा दें, इस तरह से इसके अंदर दबा दें। अब हमने इसको खड़ा करके रोटी को पेड़े को इस तरह से ऊपर से हमने दबा देना है। इसी तरह से हमने सारे पेड़े जो हैं ये रेडी करके रख लेने हैं। सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने पराठे को बेल लेना है, थोड़ा थोड़ा हाथों से बड़ा कर लेंगे। बिल्कुल गोल हमने पराठे को बेल लेना है। साथ ही हमने तवे को गर्म होने के लिए रख देना है। आग को हमने मीडियम ही रखना है, मीडियम टू लो हल्की आग पर पराठों को पकाएंगे। बिल्कुल गोल बेल लिया है पराठे को, ये आपकी मर्जी है, आप जितना भी बड़ा मर्जी साइज रख लें। तवे को हमने हल्की आग पर गर्म कर लिया है, मीडियम टू लो। अब पराठे को हमने तवे के ऊपर डाल देना है। पहले हमने इसी तरह से एक साइड से पकने देना है, थोड़ा सा ऊपर बटर लगा देंगे। अब हमने पराठे की साइड चेंज कर देनी है, इसको हमने थोड़ा सा घुमा देना है। थोड़ा थोड़ा हमने पराठे को मूव करते रहना है, उससे ये पराठा जो है नरम और क्रिस्पी बनता है और सारी साइडों से एक ही जैसा पकता है। अब हमने दूसरी साइड पर भी बटर लगा देना है। थोड़ी देर हमने पकने देना है इसी तरह से पराठे को। अब हमने साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने पराठे को मूव करना है। इसी तरह हिलाने से थोड़ा फ्लफी और क्रिस्पी पराठा बनता है। अब हमने थोड़ा सा बटर इसके ऊपर और लगा देना है। अभी थोड़ी देर हमने उस साइड से पकने देना है, फिर हमने पराठे की साइड चेंज करनी है। अब हमने पराठे की साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी पराठे को पकाना है। पराठे को हमने दोनों साइडों से पका लिया है। पराठा जब पक जाए फिर हमने इसको साइडों से उठाकर थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ देना है ताकि इसकी लेयर जो है ये खुल जाए। इस तरह से सारी साइडों से मोड़ना है, उससे ये पराठा जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। सारी साइडों से उठाकर थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे, फिर आप देखिए साइडों से पूरी इसकी लेयर जो है ये खुल जाएंगी।
पराठा हमारा रेडी है। इसी तरह से हमने सारे पराठे पकाने हैं। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार पुदीने के पराठे रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी जायकेदार। देखिए किस तरह से ले रहे हैं, जो हैं इसकी खुली हुई हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, जायकेदार हैं। ये देखिए इस तरह से पराठों को आप भी क्रिस्पी बनाइए, पुदीने के बेहतरीन जायका है। इनको आप अचार के साथ खाइए, गरम गरम साथ चाय का कप लें, बेहतरीन जायका है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।